हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से क्रोम में कोई भी चीज़ को बुकमार्क कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्रोम को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आप कुछ भी यहां पर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग। मैं यहां पर सर्च करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग, यहां पर लिख के आ गया तो मैं यहां पर सर्च कर दिया। ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग यहां पर सर्च कर दिया तो यहां पर कोई भी चीज़ आ गई। ठीक है, यहां पर बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाती हैं, जैसे कि ये वेबसाइट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मैं इस वेबसाइट्स को मैं खोलता हूँ, कोई भी मैंने सर्च किया और उस वेबसाइट को खोला तो मुझे, मैंने इसका मटेरियल जो है उसका पढ़ा तो मुझे इसका मटेरियल अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि इसको मैं बुकमार्क करना चाहता हूँ। बुकमार्क का मतलब कि मैं जो इसका जो सेटिंग्स है, मतलब इसका जो लिंक है वो सेव करना चाहता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीमेल, ये जो वेबसाइट्स हैं मैंने यहाँ पर बुकमार्क करके रखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैंने इसको पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा तो मैं इनको बुकमार्क कर लिया, ताकि मैं इनको जब भी मेरा मन हो तो उनको पढ़ सकूँ। देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बुकमार्क की हुई हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने कोई भी सर्च किया नेटवर्क मार्केटिंग, यहाँ पर सर्च किया तो यहाँ पर मैंने ये वाली वेबसाइट्स मैंने खोली और इसको मैंने देखा तो ये अच्छी लगी मुझे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ना होगा तो मुझे पता है कि ये वेबसाइट अच्छी है जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताती है। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा, इसको बुकमार्क कर लूँगा ताकि मुझे ये फिर से सर्च करके मुझे फिर से इसको सर्च ना करना पड़े कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो एंटरप्रेन्योर इंडिया की वेबसाइट्स हैं उसको मुझे पढ़ना पड़े। ठीक है, उसको सर्च करूँगा, फिर इसको सर्च करूँगा कि ये वाली आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बुकमार्क कर लूँगा। बुकमार्क करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि बुकमार्क दिया हुआ है। बुकमार्क पर अब क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बुकमार्क दिस पेज। ठीक है, ये लिखा हुआ है बुकमार्क दिस पेज, तो इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि बुकमार्क एडेड। ठीक है, और नेम यहाँ पर नेम आ गया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट नेम आ जाता है, लेकिन अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, डेफिनेशन को मैं हटाना चाहता हूँ। ठीक है, और मार्केटिंग जी दिया हुआ और एंटरप्रेन्योर जो यहाँ पर जो जितना भी लिखा हुआ है इसको मैं सब डिलीट करना चाहता हूँ, केवल इतना लिखना चाहता हूँ। और बुकमार्क बार का आप देख सकते हैं कि बुकमार्क बार हो जाएगा, अदर बुकमार्क्स या मोबाइल बुकमार्क्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोबाइल में भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर केवल लैपटॉप में बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर डन पर डन कर दीजिएगा तो आपका बुकमार्क हो गया। ठीक है, अब बुकमार्क आपको कहाँ दिखेगा, वो यहाँ पर दिखेगा। देखो यहाँ पर आप दिख रहा है नेटवर्क बुक मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अगर मैं इसको चाहूँ कि मुझे ऊपर देखे तो मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, इस पर क्लिक किया और होल्ड करके इसको मैं स्क्रॉल अप करूंगा। ठीक है, तो देखो अब ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये लग जाए। ठीक है, इसकी जगह। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा आ गया नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो मैंने इसको बुकमार्क कर लिया। जैसे मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, जैसे यहाँ पर अब मुझे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ना है तो मैं सिंपल सा यहाँ पर जो मैंने बुकमार्क कर लिया है इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करूंगा तो ये सिंपल खुल के आ जाएगा। ठीक है, वही पेज आ जाएगा तो जहाँ पर मैंने छोड़ा था, मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इस तरह से इसको पढ़ सकता हूँ। तो बुकमार्क का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी आपने वेबसाइट ओपन किया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं, यहाँ पर पिन कर सकते हैं, जिससे कि आपको जब भी बाद में पढ़ना पड़े तो उस पर क्लिक करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको फिर से गूगल पे जाने की, गूगल सर्च इंजन पर जाने की, फिर वहाँ पर टाइप आप करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइप करेंगे फिर उसको आप सर्च करेंगे, फिर ये वेबसाइट्स आएगी, तो इस सिंपल से आप यहाँ पर बुकमार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको यहाँ पर डेली कुछ नया सीखने को मिलता है। थैंक यू।